राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोपाल जी के लिए सुंदर सी काइट। तो उसके लिए देखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्लिटर शीट, जो मैंने इस शेप में कट कर ली है, और आप इसे अपने जो गोपाल जी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट करें। तो ये मैंने ली है, साइज इसका लिया है मैंने 1.75 एंड इधर से लिया है 2.5। तो इस टाइप का मैंने एक ग्लिटर शीट का पीस लिया है। उसके बाद एक मैंने लिया है टैसल, और थोड़ी सी मैंने ली है स्टोन चेन, और मैंने लिया है गोल्डन कलर का ग्लिटर। आप अदर भी कोई डेकोरेटिव पर्ल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ली है ग्लू। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है अब हमारा टैसल को ग्लिटर शीट के साथ पेस्ट कर लिया है। तो आप इस यहाँ पर जो है निबल की हेल्प से भी कर सकते हैं पेस्ट, और ग्लू गन या फिर कोई भी ग्लू की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो स्टोन चेन ली है उसको कुछ काइट की शेप में इस तरह से लगाना है दिस, और ऐसे ही सेकेंड वन इज दिस। इस टाइप से हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने अपनी स्टोन चेन जो है वो लगा ली है। अब हम जो हमारा ग्लिटर है उसको बाउंड्री में लगा देंगे। तो इस तरह से कुछ हमने ग्लिटर जो है बाउंड्री में भी लगा लिया, और सेंटर वाले पार्ट में भी डॉट्स लगा दिए हैं। तो हमारे गोपाल जी की जो है काइट बन गई है। तो अब हम बनाते हैं धागा डालने वाली चरखी। तो उसके लिए मैंने लिया है एक मैच बॉक्स का स्टिक, और टू मैंने ये वाले कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए राउंड शेप में, और उसके जो सेंटर में होल कर लिया है। अब मैं इनको इस टाइप से डाल दूंगी, और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा जो है ग्लू लगा दूंगी। तो जो ये वाली स्टिक का फ्रंट साइड है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से हमारी जो है धागे वाली चरखी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप जो काइट है वो बनकर तैयार हो चुकी है विद चरखी के। तो आप इस काइट को अपने घर पर जरूर ट्राई करें। राधे राधे।